हैलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा। असीं पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिदियां कि हुण तक दो वीडियोज़ असीं कवर कर चुके हैं। अज दी इह वीडियो तीसरी वीडियो। इस वीडियो दे नाल साडा जो मेन टॉपिक है हाउ वैन वेयर इह कंप्लीट हो जाएगा। अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ दे विच या स्टार्टिंग दे जिहड़ी अपने दो तीन वीडियोज़ कवर कीतीआं सी, उहदे विच अपने देखिआ सी कि आपां टोटल 44 टॉपिक ने SST दे, ते असीं फतेह हासिल कर लिया सी। पहला जिहड़ा 44 दे विचों पहला जिहड़ा टॉपिक आ उह असीं अज नबेड़न जा रहे हां, अज असीं नबेड़ा कर दांगे, ते साडे कोले 43 टॉपिक बच जाणगे। सो एवें करदे 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 इक दिन अजिहा आएगा जिस दिन आपां कहांगे कि अज अपना SST दा सिलेबस कंप्लीट। सो बने रहो, वध तो वध परिवार नूं वधाओ, तुसीं जोड़ो होर लोकां नूं जोड़ो अपने नाल। तो एक जो तुहानू मैं दसनी चाहना चीज़, जिवें कि अपने पिछली वीडियो दे विच भी ये चीज़ डिस्कस कीती आ कि हर टॉपिक दे ईवन के हर टॉपिक दे अगे जो सब टॉपिक ने उन्हां दे तुहानू एक लिंक प्रोवाइड हुंदा है, उन्हां दा तुहानू एक लिंक प्रोवाइड हुंदा है, नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू मिल जूगा। अगर तुसीं ग्रुप दे विच ऐड हो तां तुहानू ग्रुप दे विच मिल जूगा, व्हाट्सएप ग्रुप दे विच, उहदा वी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच पा दिंदा है, तुसीं उत्थों ऐड हो सकदे हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप दे विच। ठीक है, इहदा जो लिंक आ इह लिंक दे उपर क्लिक करके तुहानू जस्ट अपना नाम भरना है, अपने शहर दा नाम भरना है। उस तों बाद तुसीं ज्वाइन तुसीं टेस्ट दिया करोगे, मतलब कि जो भी असीं डिस्कस कीता इस नाल रिलेटेड तुहाडे तों 10, 15, 20 जिन्ना भी टॉपिक आ उस हिसाब नाल, 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिन्ना भी टॉपिक आ उस हिसाब नाल तुहाडे तों टेस्ट लिया जाएगा। तो उस टेस्ट का तुहानू ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा, उस टेस्ट का तुसीं ऑन द स्पॉट तुहानू पता चल जूगा कि तुहाडी कारगुजारी की है, तुहानू किन्ना टॉपिक समझ। कहण का मतलब की आ कि जो भी असीं कवर कर रहे हैं उहदा नाल दी नाल जदों असीं टेस्ट लवांगे या टेस्ट असीं अप्लाई करांगे इंप्लीमेंट करांगे तां ऑटोमैटिकली सानू पता चल जूगा कि असीं कित्थे एक स्टैंड करदे आ, साडी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन सॉल्व करन दी। ठीक है, सो तुसीं लिंक दे उपर क्लिक करके, अच्छा ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ एक चीज़ा होणगियां जिन्हां दी कॉस्ट हैगी उह तुहानू मौके ते आके दस दित्ता जाएगा, सारा कुछ ही तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ एक चीज़ां नूं छड्ड के। ओह की ने, कहण दा मतलब इह आ कि उहनां तों बिना तुहाडा सर सकदा है, क्योंकि तुहाडी जो तैयारी है इत्थे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, तुसीं तैयारी वल ध्यान देवो, उन्हां चीज़ां नूं इग्नोर करो जो भी होणगियां, जदों अनाउंसमेंट असीं करनी होगी असीं कर देंगे, तुसीं फिलहाल अपनी फ्री वाली तैयारी करो। ओके, बट इहनूं जी जान लगा के करो, वैसे फ्री दीआं चीज़ां दी कोई वैल्यू नहीं हुंदी हैगी, जो असीं समाज दे विच देखदे हां फ्री दीआं चीज़ां दी कोई वैल्यू नहीं पाउंदा हैगा ज़्यादा, बट फिर भी साडी इक कोशिश आ, साडी इस कोशिश नूं हुंगारा भरदे रहो। तुसीं प्लीज़ ना वीडियोज़ नूं जरूर देखो, आने वाले दिनों में जिन्नी भी वीडियोज़ आनगियां, ये वाली जिन्नी भी वीडियोज़ ने, जिन्नी भी वीडियोज़ आ रही हैं सारिया जरूर देखो। ठीक है, सो अज का जो सा टॉपिक आ वह हैगा है सोर्सिज ऑफ हिस्ट्री के सोर्सिज की ने। सानू पता किवें लग्गिया कि आ दिनों के आ जगह के उपर आ वाला इवेंट होया सीगा, आ दिनों के आ वाली जगह के उपर आ वाली घटना वापरी सीगी, वह जोड़े लोग सके वो इस तरीके रेंदे सके, हड़प्पा के जोड़े लोग सके आ चीज़ा खाते सके, सू चीज़ा किमें पता लगे, एक व्डा सवाल है ना। सो सोर्स ऑफ द हिस्ट्री मतलब सोर्सिज की ने साडे, इन सोर्सिज असी अगे कई भागों के वंट लें। ठीक है, वह भाग की ने, साडे कोल सब तो पहला आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सिज ये वाले सोर्सिज बच्चे और सोर्सिज ने जिहड़े मतलब साडे कोल लिखती ने, जिहड़े साडे कोल लिखती ने रिटन दे विच पैंदे साडे कोल लिटरेरी, लोगों ने अपनी लिखतां लिखियां, लोगों ने अपना मटीरियल लिखिया रिटन फॉर्म दित्ती ते असीं उन्हां नूं पढ़िया, ते जदों पढ़िया तां पता लग्गिया कि किसे टाइम किसे जगह दे उपर आ वाली घटना वापरी सीगी। ठीक है, सो लिटरेरी रिसोर्सिज ने। दूसरे हैगे ने बच्चे साडे कोल आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सिज जो असं इन बारे पढ़ा तो नाल थोड़ा मैं डेफिनेशन दस दूंगा कि ने थोड़ा मैं सारा कुछ दस दूंगा। तीसरे सोर्सिज ने जो साडे वो है ओरल सोर्सिज। ठीक है, सो ये तीन सोर्सिज ने, अगे इन तीनों असं कई पार्ट्स के डिवाइड करते हैं, लाइक जो पहले सोर्सिज ने इन्हों फोरन का जो लिटरेरी है लिटरेसी आ फोरन सोर्सिज, और दूसरे है इंडिजीनियस
इंडिजीनियस सोर्सिस एक ही ने इन्हें बारे आप डिटेल दे विच गल करते हैं ठीक है। सो सब तो पहला साढ़े को आ रहे हैं लिटरेरी सोर्सिस। अच्छा इन्हों वीडियो पॉज करके तुसी नोट कर लियो अगर करने होंगे ठीक है। सब तो पहला साढ़े को आ रहे हैं लिटरेरी सोर्सिस। लिटरेरी सोर्सिस उही जिहड़ा कोई ना कोई राइटर कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई जिन्हों शौक आ लिखन दा वह लिख के चला गया तो अजकल साढ़े कम आ रही ने चीज़ा है ना। तो इन असं अगे किन्ने भागों च वंडिया दो भागों के पहला भाग कि पहला भाग कि फोरन फोरन दे सोर्सिस मतलब कि जेडे बाहरों साडा इंडिया है असी इंडिया की हिस्टरी पढ़नी आ जेडे कि बाहरों चाइना दे विच्चों अफगानिस्तान दे विच्चों या फिर अरेबिया वाले पास्यों किहड़े भी पास्यों जेडे भी बाहरों लोग इंडिया दे विच आए तो इंडिया च आके इत्थे दा माहौल देखिया इस माहौल दे अनुसार उन्होंने जो चीज़ां लगियां उन्होंने लिखतियां माहौल देखिया मतलब कि बाहरों लोग आए माहौल देखिया जो भी उन्होंने जचिया जो भी उन्होंने लग्या जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने अपनी अपनी बुक के लिखता। सो असं कह दें कि टैक्सट ऑफ फॉरन ट्रैवलर्स ये मैगसनीज हो सकता है इस फाहियान हो सकता है या असं अगे जाके पढ़ा और रिसोर्स ने या कि लोग ने ठीक है। यो सोमे ने जोड़े मतलब लिखती रिकॉर्ड्स न संबंधित ने भारत के अगर आप गल करिए लिखत रिटन किमें शुरू होया आपां इहनूं कुछ मिनट वास्ते पाउस ते रखदे आं कुछ मिनट वास्ते इहनूं आपां टॉपिक नूं पाउस ते रखदे आं उहदे विचों ही साडे कोल इक होर टॉपिक निकलिया आ कि जिहड़ियां लिखतां ने इह कित्थे लिखियां जांदियां सीगियां जिहड़ियां लिखतां ने इह कित्थे लिखियां जांदियां सीगियां इह लिखियां जांदियां सीगियां बच्चे पाम लीव्स दे उपर इक दरख्त आ उह दरख्त दे बड़े बड़े पत्तियां दे उपर या फिर कित्थे लिखियां जांदियां सीगियां जो दरख्तां दियां दरख्त दा सक या छिल्लड़ सक या छिल्लड़ उन्होंने उपर लिखा जाता सीगा है ना। सो वह सारिया चीज़ा जेड़िया पहली चीज़ हाथ नाल लिखिया जांदियां सीगियां दूसरी चीज़ या तो पाम लीव्स के उपर या दरख्तों के सक के उपर या फिर छिल्लड़ा के उपर मतलब जो आप सक जहाँ ला लें वो उपर लिखिया जाए सीगियां इन सारियां नूं असीं कहिंदे सीगे मैनुस्क्रिप्ट्स मैनू स्क्रिप्ट पंजाबी दे विच मैनू स्क्रिप्ट स्पैलिंग थोड़े ध्यान दे लियो भी थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। सो बस आप मतलब टॉपिक समझना है कंसैप्ट कवर करना है ठीक है मैनू स्क्रिप्ट। सो ए जो मैनू आ ये कितों आया ये बच्चे आया है लातीनी भाषा का शब्द है लातीनी भाषा तो लिया गया है तो यदा अर्थ हैगा हथ लातीनी भाषा तो लिया गया है तो यदा अर्थ है हथ तो मनु स्क्रिप्ट का की मतलब होया ओ वाली स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हों लिखना या लिखत ओ वाली स्क्रिप्ट जी हथ न लिखी गई होनू असी मनु स्क्रिप्ट कहने तो मनु स्क्रिप्ट लिखत साढ़े इंडिया के साडे भारत के लगभग 13वीं सदी तो शुरू हुई ने या कागज़ की जी होंद लगभग 13वीं सदी तो शुरू हुई है ओके मतलब कहें भी जो कागज़ की होंद तो ठीक आ भी आ 13वीं सदी तो शुरू होगी ए तो पहला भी तो बंदे कितने लिखते होंगे चीज़ों को जिमें अपने कल वाली वीडियो किया ना कि डेट्स ओके आ भी जड़िया भी हो गई एडी तक अपने देखा सी मतलब बीसी जो उन्होंने बर्थ हों उदों तो अपने डेट्स काउंट करनिया शुरू की अजकल वालिया बट उस पहले भी तो बंदे लिखते ही हो गए डेट्स पहले कहना लिखते नहीं होने है ना। सो कागज़ की शुरुआत हुई है 13वीं सदी के बट जी लिखता वह तो उस तो पहला भी चलती है उस तो पहला चलती सी मनु स्क्रिप्ट के उपर तो मनु स्क्रिप्ट की आ या तो पाम लीव्स बड़े बड़े पत्तियां के उपर चीज़ा लिखिया जाए ने या फिर दरख्तों के सक के उपर या फिर दरख्तों के छिल्लड़ के उपर चीज़ा लिखिया जाए ने। होप कि तुम इनू अंडरसटैंड किया होगा कि मनु स्क्रिप्ट एनी डॉकूमेंट रिटन बाय हैंड एनी डॉकूमेंट रिटन बाय हैंड बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रिंटड इज कॉल्ड मनु स्क्रिप्ट। सो अगली चीज़ या अगला टॉपिक जिहड़ियां इह मनु स्क्रिप्टां ने इह किहड़ी भाषा च लिखिया जांदियां सीगियां मनु स्क्रिप्टां ने किहड़ी भाषा च लिखिया जांदियां सीगियां इहदे वास्ते बच्चे आपां इंडिया नूं दो भागां च वंडांगे एक अपने साउथ वाला पार्ट आ गया एक अपने नॉर्थ वाला पार्ट आ गया मतलब कि एक अपने उत्तरी भारत आ गया एक अपना दक्षणी भारत आ गया ठीक है। अगर तो असं गल करते हैं उत्तरी भारत की अगर असं गल करते हैं नॉर्थ की
नॉर्थ दे विच ए वाली लिखतां लिखियां जांदियां सी या भाषा यूज हुंदी सी, एक तां संस्कृत, एक पाली, एक प्राकृतिक, तीन भाषावां सी नॉर्थ दियां, एक तां संस्कृत, एक पाली ते एक प्राकृतिक। सो नॉर्थ का जिन्ना मटीरियल लिखा गया हाथ लिखत नाल मैनुस्क्रिप्ट नाल वह सारा कहड़ियां तीन भाषावां लिखा गया, संस्कृत, पाली ते प्राकृतिक। साउथ का जिन्ना भी लिखा गया, दक्षण का जिन्ना भी लिखा गया, दक्षणी भारत च जिन्ना भी मटीरियल लिखा गया वह सारा बच्चे लिखा गया सीगा तमिल भाषा दे विच, तमिल भाषा दे विच लिखा गया सीगा। होप के तुहानू आ जिन्ना भी अपने मटीरियल कवर किया तुहानू समझ आ गया होएगा कि क्योंकि अपने जिहड़ियां भी लिखतां शुरू करनियां उस तों पहलां अपां नूं पता तो होवे कि भी लिखतां हुंदियां कि ने, कित्थों आईआं ने, इहनां दी हिस्टरी की आ। बच्चे बेशक अपन टाइम थोड़ा वध लग जाए, बेशक तुहाडे 15 मिनट की जगह के उपर 25 मिनट लग जाए, पर इस चीज़ की मैं तुहानू गरंटी दे रहा कि तसली करवा के उठाऊंगा। इदां नहीं हैगा भी आपां बस आए किता चले गए, नहीं, इन्ने एक वधिया तरीके नाल तुहानू करवावांगा। तुसी फिकर ना करो कि तुसी घट तो घट भी वीडियो नू शेयर जरूर करोगे। मैं कदे नहीं कहिंदा कि तुहानू कि चैनल नू सबसक्राइब करो जी, या वीडियो नू शेयर करो जी, या वीडियो नू लाइक करो जी, या कमेंट करो जी, नहीं, तुसी अपने आप करोगे अगर तुहानू टॉपिक पसंद आया, क्योंकि वह चीज़ा होंदियां ने मंगियां नहीं जांदियां होंदियां, आपे मिलदियां होंदियां ने। सो मैनू कहन की जरूरत नहीं हैगी कि शेयर करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो, जो भी आ मैं कहने की जरूरत नहीं, आपे कर दोगे तुसी, ठीक है। सो यह इतने तक अपना लिखत का मतलब कि अपनी हिस्टरी कितों कितों बनी आ। इस तो बाद अपने कवर करने ने अपने लिटरेरी सोर्सिस, लिटरेरी सोर्स जिमें कि अपने हमने हमने गल की है किन्ने भाग से, दो भागों के दो भाग कह एक है फॉरन वाल एक है अपने इंडिया वाल। तो जो अभी गल करते हैं फॉरन की, फॉरन लिटरेसी की, फॉरन लिटरेचर की, कहना भी इस तो सानू विदेशी यात्रा जो कि मतलब जिन्हें भी विदेशी यात्री ने जेडे कि भारत आते रहे उन्होंने जो लिखत जी कि मैं हमने तुम्हें समझा के हटिया पहला, ठीक है। वो जो भी सब अनुभव किया मतलब उन्होंने जो भी अनुभव किया वह सारा उन्होंने लिखता। आप इतने कुछ एक एग्जाम्पल्स लें, सब तो पहले अपने को एग्जाम्पल आ रही है मैगस्थनीस, बहुत ही इंपोर्टेंट आ मैगज थ नीज, बहुत ही इंपोर्टेंट आ। किमें थोनू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी ये केड़े समय भारत आया, ये समय राजा कौन सीगा, थोनू क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इनू जी किने भेजिया मतलब कि किदा दूत सीगा, है ना, या फिर जी इन्हें केड़ी किताब लिखी। इस तरीके बहुत सारिया तो रिलेटड क्वेश्चन ने जो पूछ ले जाते हैं। सब तो पहला मैगस्थनीज नू सेल्क्यूस ने भेजा सीगा, ये तुमने ध्यान च रखना, सेल्क्यूस मैगस्थनीज नू सेल्क्यूस ने भेजा सीगा, ओके, मतलब कि जो मैगस्थनीज आ वह सेल्क्यूस का दूत सीगा। दूसरा यह भारत कि दरबार च आया सीगा, यह भारत में आया सीगा, यह बंदा भारत आया सीगा चंद्रगुप्त मौर्या दे दरबार च, चंद्रगुप्त मौर्या इहदे दरबार दे विच भारत आया सीगा। बाकी आपां जदों चंद्रगुप्त मौर्या करांगे ना उदों भी तुहानूं मैं सारी इहदी डिटेल दसूंगा, ओके। नैक्सट इहदे विच ही आ कि भी मैगस्थनीज ने किहड़ी बुक लिखी सीगी, मैगस्थनीज की बुक का नाम आ इंडिका, अंडरस्टैंड। मैगस्थनीज सेल्क्यूस ने भेजिया सी मतलब कि उसका दूत सेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम च आया सीगा, इहदे दरबार च आया सीगा और इन्हें किताब लिखी सीगी सेल्क्यूस, अंडरस्टैंड। दूसरा साढ़े को आ रहा है और फाहीयान, फाहीयान इहनू तुसीं इंग्लिश दे विच इदां भी शायद पढ़ लैंदे हो फाहीन, इदां कोई स्पैलिंग नहीं इहदे फाहीन, ठीक है। सो फाहीयान पहली चीज़ नाम तो ही पता चल रहा भी चीन का बंदा है, चीनी यात्री सीगा, पहली चीज़ चीनी यात्री सीगा, दूसरी चीज़ जस्ट अ मिनट, पहली चीज़ यह चीनी यात्री सीगा, दूसरी चीज़ यह चंद्रगुप्त दूजे दे काल च आया सीगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य दे काल च आया, यह बंदा चंद्रगुप्त दूजे दे काल च आया, चंद्रगुप्त दूजे दे काल च आया, ओके। तीसरी चीज़ ये संबंधित,
यह घट तो घट 6 to 7 years भारत च रहा, 6 to 7 years भारत रहा। ओके, नैक्सट अपने को टॉपिक आ रहा, पहला दूजा तीसरा बंदा कौन सीगा? तीसरा बंदा बच्चे साढ़े को ह्यून सांग, तीसरा बंदा साढ़े को ह्यून सांग। ह्यून सांग हर्षवर्धन के काल च भारत आया सीगा, हर्षवर्धन दे समय भारत आया। ओके, यह लगभग 13 years भारत रहा, 13 years रहा। तो इसने एक बुक लिखी सी, यदि बुक का नाम सीगा, यदि बुक का नाम सीगा सी यू की, सी यू की, यदि बुक का नाम सीगा सी यू की। सो यह सी अपने फॉरन दे सोर्सेज, बाकी टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहेंगे, मतलब कि क्योंकि अपना जो हो वन वेयर है, आप कह सकते कि अपनी एक इंट्रोडक्टरी जी वीडियो आ, या अपना इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक चल रहा है। सो इस तो बाद साढ़े को आ रहे हैं साढ़े इंडिया के सोर्सेज, इंडिजीनियस सोर्सेज, आप उन्होंने गल करते हैं, आप उन्होंने वाले डिस्कस करते हैं। सब तो पहला साढ़े को की है, उस तो बाद की आप सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं, साढ़े को कहते भी भारतीय इतिहासकारों को असं अगे दो भागों च वंडते हैं। पहली चीज़ हूँ देखो, ध्यान देखो, सब तो पहला साढ़े को लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में असं वंडिया दो भागों च, एक बाहरले इंडिया तो बाहरले जिहड़े इंडिया च आए, एक जिहड़े इंडिया च ही रहिंदे सीगे, दो भागों च वंडता। इस तो बाद जिहड़े इंडिया च रहिंदे सीगे उन्होंने जो लिखिया उन्हों असं फिर अगे दो भागों च वंडते हैं। वह दो भाग कहड़े ने, एक है धार्मिक लिखत, धार्मिक लिखत, एक है धर्म निरपक्ष लिखत, धर्म निरपक्ष लिखत। बच्चे मैं वार बार यही चीज़ कह रहा, मैं पहला भी यह थोड़े डिस्कस किया कि इन्नी डिटेल दे विच तो अनु करवाया जाऊगा कि तुसी सैटिस्फाई हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप चलो अगे जाके गल करते हैं, धार्मिक लिखतों की आप गल करिए, धार्मिक लिखतों के एक तो अपने चार वेद आ गए, वैदिक पीरियड की गल करिए है ना, चार वेद आ गए, रामायण आ गई, महाभारत आ गया, बुद्ध धर्म दी चीज़ा आ गई, चार वेद, रामायण, महाभारत, बुद्ध धर्म दी लिखतां, उस तो बाद जैन धर्म दी लिखतां, जैन धर्म हो गया, पुराण हो गए, या फिर इस तो बाद अपने को आ रहा है महाकाव्य हो गए, उपनिषद हो गए, महाकाव्य, उपनिषद, ये चीज़ा हो गई। इस तो बाद अगर आप गल करिए धर्म निरपक्ष लिखतों की, हूँ आप चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि थोनों ना अक्सर जिथे भी आह वाली राइटिंग्स मिलनगियाँ, जिथे भी आह वाली लिखता मिलनगियाँ, सारिया मिक्स कीतियां हुई होनगियां, तो थोनों दस्या होया होगा भी भाई भारत दी लिखता ने, भारतीय लोगों दी लिखी हुई लिखता ने, नहीं अपने इनू भी अलग अलग करता, धार्मिक लिखता अलग डिवाइड करता, धर्म निरपक्ष लिखता अलग डिवाइड करता, ताकि सानू समझन दे विच या याद रखन दे विच होर भी ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। सो तुहाडियां फैसिलिटीज़ दे लई कुछ भी, बस थोड़ा सिर्फ एक कम, साडी मोटीवेशन वधाओ, साड़ी मोटिवेशन किवें बनूगी वधूगी वो तुसी समझदार हो, ठीक है। सो आपां डिस्कस करते हैं धर्म निरपक्ष लिखतां, धर्म निरपक्ष लिखतों के बहुत सारे अपने पॉइंट्स कवर होंगे ने, जिमें कि जिन्नी भी लिखत सगिया यह सारिया दारिया ये कविता आ सकती है, ये कहानियां आ सकदिया ने, ये डॉक्टरी नाल संबंधित चीज़ा आ सकदिया ने, ये विज्ञान आ सकता है, ये समाज आ सकता है, मतलब कि लगभग सारिया चीज़ा। अच्छा आप पुराने समाज की गल करते हैं, पुरानी गल् करते हैं, नवं तो आप अगर जाके देखा, यह सारिया चीज़ा ये आ सकता ने। हूँ आप इतने कुछ एक एग्जाम्पल्स लें, जिमें कौटल्या सीगा, हूँ मैंने ना तुसी कमेंटा दे विच एक नाम दसो, जाके सर्च करके आओ कि कौटल्या का दूसरा नाम की सीगा, कौटल्या का दूसरा नाम की सीगा, जाके सर्च करके आओ, तो मैं कमेंट सैक्शन के जाके लिखो कौटल्या बारे। कौटल्या ने एक किताब लिखी सी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वेरी इंपोर्टेंट। इस तो बाद अगर आप गल कर लिए कि भी विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी सी, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एक किताब लिखी सी,
इसे तरीके अगर आप अगे आ जाइए बाणभट्ट जिहड़ा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि सीगा उन्हें हर्षचरित लिखी ये थोड़ा सारे शीट्स के नोट्स के मैं थोड़ा प्रोवाइड कर दूंगा। होर दसो तुसी बस मोटिवेशन देंदे रहो तुहानू बहुत कुछ प्रोवाइड हो जूगा बच्चे बहुत कुछ मिल जू तुहानू तुसी सोच भी नहीं सकते। हर्षचरित या फिर राजकवि सीगा चांद वरदाई पृथ्वीराज रासो दा उन्हें कालीदास दियां जिहड़ियां लिखतां सीगियां जिहदे विच शकुंतला हो गई मैघदूत दे नाटक हो गए या फिर लोक कथावां हो गईआं मतलब बहुत सारियां एग्जाम्पल्स ने इहदियां। ठीक है साडे हुण की कवर कर लिया असीं लिटरेरी रिसोर्सिस कवर कर लिया जिहड़े दो तरहां दे ने इक हैगे ने बाहरले फॉरन वाले इक हैगे ने इंडिजीनियस इंडिया दे। इंडिया के जिहड़े रिसोर्सिस ने उन्हां नूं असीं अगे दो भागां दे विच डिवाइड किया इक हैगे ने धार्मिक ते इक हैगे ने धर्म निरपक्ष। ठीक है इस तों अगे बच्चे असीं जो कवर करन जा रहे हैं वह हैगे ने आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सिस। पहली चीज़ आर्कियोलॉजी की होंगी आर्कियोलॉजी मतलब पुरानिया जिन्निया भी थोनू फिजिकल चीज़ा मिल रही हैं वो कोई पत्थर हो सकता है वो कोई स्तंभ हो सकता है वो कोई किला हो सकता वो कोई महल हो सकता वो कोई गुरुद्वारा हो सकता वो कोई मंदिर हो सकता है वो कोई उंज निशानी हो सकती है कोई वो सड़क हो सकदिया ने वो घर हो सकते हैं वो पुरानी चीज़ा हो सकती ने वो कोई भी भांडे हो सकते हैं कुछ भी जो भी थोनू फिजिकली मिल रहा है लिखतों छड़ के उन्होंने असं आर्कियोलॉजिकल कह दें। ठीक है हम जो असं पुरातन समगरी की गल करते हैं या पुरातन चीज़ों की गल करते हैं सारे असं आर्कियोलॉजिकल सोमे कह दें या फिर पुरातत्व सोमे कह दें। ठीक है कहने सोमे पुरातत्व सोमे कह दें अंडरस्टैंड। हुण इन्हां दी जिहड़ी स्टडी करते हैं मतलब इन्हों जो पढ़ते हैं इन बारे जो खोज करते हैं इन्हों जो लिखते हैं उन्होंने असं कह दें आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं उन्होंने असं कह दें आर्कियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड। अगे हम इन आप कुछ एक छोट थोड़ी 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 डिटेल करते हैं उस बाद आप करते हैं। ठीक है की डिटेल अगर आप गल करिए इतिहास की जानकारी है जी सूँ वो इंसक्रिप्शन तो मिलती है इंसक्रिप्शन पहले ही पॉइंट है तो इनसक्रिप्शन वट इज़ द मीनिंग ऑफ इनसक्रिप्शन तुम पंजाबी हूँ तक बहुत बार पढ़िया है शिलालेख इनसक्रिप्शन शिलालेख शिलालेख की होंगे ने शिलालेख बहुत सारे राजे महाराजा शौक सेगा कि भी मेरिया जिन्निया भी खूबिया ने मेरिया जिन्निया भी तारीफा ने जाओ तो शहर च जाके जगह जगह कंधा ते लिख दो जाओ तो जाके जगह जगह शहर च पत्थर ते लिख आओ जाओ जाके दरख्तों ते खुदेड़ के लिख दो पत्थर के उपर घड़ घड़ के लिख दो खंभियां दे उपर लिख दो स्तंभों के उपर लिख दो सारिया चीज़ा जो इनसक्रिप्शन शिलालेख पहली जी इतिहास की जानकारी सूँ शिलालेखों तो मिलती है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कहते भी जो शिलालेख होंगे ने आम तौर पर अपने जी हमने गल की यह किसी पत्थर कोई स्तंभ या फिर कोई धात कोई मैटल के उपर उकरे हुए होंगे ने उकेर के लिखे हुए होंगे ने। ओके कई बार किसी राजे अपने जिमें पहला गल की किसी राजे शौक हों लिखता खुदवाण का कि चलो भी मेरी तारीफ करो ये बच्चे जो नाम ने अशोक का नाम आ रहा ये सकंद गुप्ता का नाम आ रहा ये समुद्र गुप्त का नाम आ रहा तीन नाम बहुत इंपोर्टेंट ने जिन्होंने अलग अलग जगह के उपर शिलालेख लिखवाए थे अशोक अशोक का सांची स्तूप कितना इंपोर्टेंट है अशोक समुद्र गुप्त सकंद गुप्त। ओके इस तो बाद साढ़े को एक छोटी जी टर्म आती है एपीग्राफी छोटी जी एक टर्म आती है एपीग्राफी एपीग्राफी की है एपीग्राफी होंगी है द स्टडी ऑफ इंसक्रिप्शन मतलब कि जेड़ा इनू असीं स्टडी करते हैं इहदी स्टडी नूं असीं की कहने आ एपीग्राफी अंडरस्टैंड। हुण अगे साढ़े कोल जिहड़ियां चीज़ां इहदे विच शामिल होंदियां ने पुरातत्व समागरी दे विच या फिर आर्कियोलॉजिकल समागरी दे विच उहदे विच वैपनस हो सकते हैं टूल्स हो सकते हैं वो पोएट्री हो सकती है पोएट्री मतलब जी आप कुजिया के उपर या फिर मिट्टी के भांडे के उपर आप चित्रकारी करते हैं पेंटिंग्स करते हैं उन्होंने आप कह दें ये पेंटिंग्स हो सकती ने ये स्कलपचर्स हो सकते हैं ये ज्वेलरी हो सकती है ये कॉइनस हो सकते हैं ये बिल्डिंग्स हो सकती ने ये सील्स मोहर हो सकती ने
इस तरह जिहड़ी समगरी सानूं जिन्नी भी मिलदी आ पुराने लोकां दे उदों सानूं रहन सहन दा तरीका पता लगदा, सानूं पता लगदा कि समाज दे विच किवें विचरदे सीगे, सानूं इस चीज़ तों पता लगदा कि उहनां दी जीवन शैली की आ, सानूं पता लगदा कि उह दरख्तां दे जानवरां दा की करदे सीगे या फिर उह किहनां दीआं हड्डियां नाल जानवरां दीआं हड्डियां तों की करदे सीगे। जिवें आपां ने देखिआ ना कि जिहड़े गहने हुंदे सीगे, ज्वैलरी हुंदी सीगी, उह जानवरां दीआं हड्डियां दी या उहनां दे दंदां दी यूज़ करदे हुंदे सीगे, है ना। या फिर सिक्कियां दे उपर जिहड़े मतलब उन्होंने कोई भी सिक्का जारी किया, कोइन जारी किया, उहदे उपर किसी ना किसी राजे की शकल आ या किसी ना किसी राजे का नाम आ, सानूं पता लग्गिया भी उह टाइम दे विच आ राजा हुंदा सीगा। इस तरीके नाल सानूं चीज़ां पता लग्गियां ने, ठीक है। या फिर जिहड़े स्तंभ ने आपां ने जिवें हुण देखे ने, अशोक का स्तंभ आपां ने पहलां गल कीती आ, नालंदा यूनीवर्सिटी, सांची का स्तूप, यह सारियां की चीज़ां ने। इहनां दे उपर उकेर के चले गए, साडे वास्ते छड्ड गए, असीं पढ़ रहे हाँ, सानूं पढ़ना पै रिहा है, समझ आ गया। सो यह सीगा राजे अपना एपीग्राफी या फिर सीगा अपना आर्कियोलॉजिकल सिस्टम। तीसरे अपने कोले सीगे तुहाडे ओरल सोर्सेस दे विच इहदी कोई डेफिनेशन नहीं हैगी, इहनूं आपां मतलब कोई लिखती रूप नहीं हैगा इहदा। ओरल सोर्सेस मतलब जो भी चीज़ां एक बंदे तों दूजे बंदे तक जुबानी गईआं होईआं ने, जो असीं साडे पुराने बजुर्गों तो सुनिया ने, जो असीं साडे दादे परदादियां तो सुनिया ने, वो असीं अपने बच्चों को सुना रहे हैं। जो असीं अपने बजुर्गों तो गल्लां सुनिया ने, असीं अपने बच्चों को सुना रहे हैं। कोई इहनां दा लिखती सबूत तो हैगा नहीं, उपरों सुनिया नीचे सुनातियां। इहदे विच सोंग हो सकते हैं, इहदे विच थीम हो सकते हैं, हाइम्स हो सकदियां ने, इहदे विच कवितावां हो सकदियां ने, इहदे विच शेयर हो सकते हैं, इहदे विच कहानियां हो सकदियां ने, वह सारा कुछ ओरल दे विच आ जूगा। ओरल मतलब जिहड़ा किसी भी बंदे तक, मतलब कि एक बंदे ने बोलिया, दूजे बंदे ने सुनिया, वह बंदे ने बोलिया, उस तो अगले ने सुनिया, ये चीज़। होप कि तुहानू एक कंप्लीट टॉपिक समझ आ गया। हुण वीडियो चंगी लगी आ तो रिस्पोंस जरूर दिओ, तो धन्नवाद। मिलते हैं आप अपनी दूसरी वीडियो के नैक्सट वीडियो के आप अपना बाकी जो टॉपिक ने वो डिस्कस करते हैं, मतलब कि अपना नैक्सट टॉपिक है जोड़ा वो शुरू करते हैं, ठीक है। जिद पैलियोलीथिका या फिर जिद न्यूलीथिका, मैसोलीथिका, पत्थर युग बारे आप कल दी अपनी वीडियो होगी, नैक्सट वीडियो होगी, वो आप डिस्कस करा। सो थैंक यू।